सो गाइज यार, मैंने इतना लगेज अपनी लाइफ में कभी उठाया नहीं है कसम से। करीबन मान के चलो 25 किलो वजन है मेरे पास। खच के रखा भाई ने। भाई फुल रौनकी बंदा है, फुल मजे दे रहा है यार। Show me you can be more than just my enemy. सो गाइज फाइनली एक काफ़ी टाइम बाद में, लास्ट टाइम मैं घूमने गया था दुबई में शायद नवंबर दिसंबर में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और टेम्परेचर है 19 डिग्री, मतलब 19 डिग्री टेम्परेचर है। और मैं आपको 360 पर मूव करके दिखा देता हूँ। सो ये भाई मेरा लगेज लेके आ रहा है पीछे पीछे, और अभी हम करते हैं इसके दोस्त को फ़ोन और बुलाते हैं उसको। और मौसम काफ़ी अच्छा है यार, वेदर कसम से। ले आ, ले आ, इधर आ जा बाहर। सो यार बहुत खुशी हो रही है, और अब मेरा हॉस्टल बुक है यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ हॉस्टल पर। तो एक बार तो यार बहुत थका हुआ हूँ, 9 घंटों का सफ़र था ये। ये मेरी लाइफ की पहली एक लंबी फ़्लाइट थी, इससे पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों का सफ़र कर चुका हूँ सिंगापुर मलेशिया के लिए। सो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ़िलहाल के लिए अभी इसका दोस्त आ रहा है, तो वेट करते हैं। और क्या क्या पूछा गया मेरे से इमिग्रेशन में, ये सारी बातें मैं आपसे करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोंटी अब पहुँच गया है मॉस्को, रशिया की धरती पर। सो बहुत ही जल्द आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए या थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। और लगेज अपना ये बड़ा तो काफ़ी देर से टैक्सी का वेट कर रहे हैं हम लोग। भाई का दोस्त आ रहा है, और अच्छी बात है कि मेरे को भी रास्ते में ड्रॉप कर देंगे मेरे जो भी मेरा हॉस्टल है। लगेज अपना सारा ये पड़ा, और काफ़ी लंबा टूर है ये मेरा, मतलब होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से सीधा मॉस्को से इंडिया नहीं जाऊँगा, किसी और कंट्री में निकल जाऊँगा। अब मेरे को पूरा मैं प्लान बना के आया हूँ कि 3-4 कंट्री विजिट करके ही जाऊँगा। सो ये वाला टूर काफ़ी लंबा होने वाला है, आप देख सकते हो। ये मेरा लगेज है, इस बार अपने पूरी सेफ्टी के साथ लेके आए हैं। ये टेंट हाउस है अपना ये, और ये अपना मैट है, सब कुछ लेके आए हैं इस बार अपने। और फिलहाल मॉस्को पर एयरपोर्ट पर खड़े हैं, ये मॉस्को का एयरपोर्ट है आप देख सकते हो। सो गाइज यार, मैंने इतना लगेज अपनी लाइफ में कभी उठाया नहीं है कसम से। करीबन मान के चलो 25 किलो वज़न है मेरे पास, और मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना वज़न नहीं उठाया है। टैक्सी तो आ गई है खैर, और कसम से यार बहुत भारी वज़न है। हरियाणा वाला भाई आगे जा रहा है यार, और पता नहीं मुझे लेके भी जाएंगे कि नहीं। उसका कोई जानकार आया है तो मैं बात करके देखता हूँ क्या बोलते हैं। वो रहा अपना हरियाणा वाला भाई। तो ये टैक्सी है, कुछ इस प्रकार के टैक्सी है, और ये भाई आए हैं लेने। सो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, भाई हेल्प कर रहे हैं मेरी, मतलब मैंने कोई पैसा नहीं भी दिया है। ये भाई ने मंगाई थी टैक्सी, और ये भाई लेने आए हैं। योर नेम ब्रदर? नेम? गुड नेम? नेम नेम Nickname. My name Monty. My name is Askat. लेने आया है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली लेने आया था मोहन को, तो मैं तो फ्री में इनके साथ जा रहा हूँ। हिंदुस्तान की दिल्ली दिल्ली या सो ये अपना भाई है, दोस्त बन गया है। बहुत अच्छा लग रहा है यार कसम से, वाह क्या बात है।
तो धन्यवाद मैं करना चाहूँगा यार इनका, मोहन का। मोहन मुझे मिल गया एयरपोर्ट पे, हम दोस्त बन गए थे। एक्चुअली मैं यार एक लड़का और हमारा दोस्त बन गया था, वो पंजाब से था और उसको शायद वापस भेज दिया गया है। उसका भी किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन यार उसकी रशिया से मॉस्को की फ़्लाइट थी, इससे उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। उसको सर्बिया की, सॉरी, मॉस्को से सर्बिया की फ़्लाइट थी, इसलिए उसके पास थोड़ा वो प्रॉब्लम में आ गया। क्योंकि आपको पता ही है ना, क्योंकि रशियन वाले ऐसे तो वीज़ा दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उनको डाउट होता है तो वो रोक लेते हैं। और यार क्या बात है, मतलब रियली आई हैव नो वर्ड। ब्लॉगर, यस, ब्लॉगर, ब्लॉगर अक्षत भाई, बाय। हाँ अक्षत भाई, कैन आई सिट हियर? तो मैंने अक्षत को बोला है कि मुझे आगे बैठना है, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। ये मेरी है फेवरेट सीट। सो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है यार, सीट बेल्ट लगा लेते हैं ताकि अक्षत को कोई प्रॉब्लम ना आए। सो अक्षत, स्वासी बलशाय। सो आर यू रशियन? नो। ओ, उज़्बेकिस्तान? किर्गिस्तान। नो नो, यू किर्गिस्तान? किर्गिस्तान। वाओ, आई लव किर्गिस्तान। When I will upload your our video, then you will famous in Hindustan. You, भाई थोड़ी बहुत उसको इंग्लिश आ रही है, और जो भी जितना मुझे आ रही है मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं आती है, लेकिन मुझे जो आती है मैं उसका यूज़ भरपूर करता हूँ, आनंद लेता हूँ। और उन लोगों की तरह मैं नहीं सोचता हूँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि यार टूटी फूटी इंग्लिश आ रही है, बोले ना बोले, तो आप अगर ये सोचोगे तो ट्रैवल नहीं कर पाओगे। आपको जितना आता है आप उतना बोलो। और बहुत अच्छा लगा, बंदे ने यार मुझे आगे बैठने को बोल दिया तो बहुत अच्छा लगा। सो भाई मैंने इसे अभी पूछा कि मास्क लगाएं या ना लगाएं, तो बोला कि मर्जी है आपकी, लगा लो। और कई बार पुलिस वाले रोक भी लेते हैं। तो यार आपको बता दूं मैं कि सिटी से 1 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट से। अभी मैं इसको इंग्लिश नहीं आती है तो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इससे बात करने का। How many difference in the airport and city? How many difference kilometer? Airport? What's worse in kilometer? 20... 20... Banda count kar raha hai. 29 kilometer. 29 kilometer hai. Is banda keh raha hai ki airport se Moscow city. So, abhi main isko dikhata hoon mere hotel ki booking. To dekhta hoon. भाई फुल राउंड की बंदा है, फुल मजे दे रहा है यार बंदा, बहुत बढ़िया है, गुड। बेचारे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आ रही है, लेकिन जितनी इनको इसको आ रही है उतनी हमें आ रही है, बस काम चल रहा है हमारा। तो भाइयों ये देख लो, कॉलेज है ये, और बाहर मॉस्को में बारिश, तो मैंने आपको पहले ही बताया था बिन बादल बारिश होती है यहाँ पर। डेड, और अब मेरे को इसको दिक्कत ये है कि इसको मैं समझाऊं कैसे कि मुझे कौन से हॉस्टल में जाना है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मोहन के साथ जा रहा हूं इसके हॉस्टल में। सो मोहन कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसने बात कर ली है वहां पर। वहां पर जाकर मैं थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाऊंगा एंड उसके बाद मैं अपना मोबाइल चार्ज कर लूँगा। और वैसे भी यार एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे को हॉस्टल में जो चेक इन टाइम था वो था, आपको पता ही है 11-12 बजे चेक इन टाइम होता है हॉस्टल का, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं। इतना ही टाइम है, टाइम क्या हुआ? टाइम हो गया भाई 6:20 हो गए हैं। और मैं आपको बताऊंगा यार, सुबह 3 बजे हम लोग उतर गए थे, और यहाँ पर 3 बजे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुबह के 9-10 बज रहे हों। अभी आप देख लो ये सुबह का 6:30 बजे हो रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर मैंने एक रील अपलोड कर दी है, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे दोस्तों को, मैंने किसी को नहीं बताया था। इसका रीज़न ये था यार, मैं आपको सही बताऊँ ना, आपको पता ही है आजकल कितने लफड़े चलते हैं एयरपोर्ट पर, कभी किसी चीज़ के लिए बाहर निकाल देते हैं कभी किसी। मैं आपको सही बताऊँ ना,
मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर 27 मिनट तक रोके रखा। बस मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो होटल बुकिंग थी वो कह रहे थे कि आपने booking.com से कर रखी है, आप ये कर दोगे वो कर दोगे, ये सब इंडिया वाले ही करते हैं यार। मैं आपको सही बताऊँ ना, मॉस्को वालों ने सिर्फ मेरा पासपोर्ट देखा और स्टैंप लगा दी। सिर्फ मैं आपको बताऊँ 20 या 30 सेकेंड लगे होंगे, हाँ आधा मिनट लगा, मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया यार। आजकल मतलब जितनी भी कंट्री में मैंने विजिट किया है, लगभग मुझे इंडिया में ही प्रॉब्लम आई है और बाहर कहीं प्रॉब्लम नहीं आई यार। तो मुझे लगता है कि हम सिटी में एंटर हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले मैं आ चुका था, यहाँ पर मोहन भाई है। मैंने आपको बताया था ना जो पहले वाले शॉट में कि मोहन भाई अपने हरियाणा से हैं। तो आपको पता ही है कि हॉस्टल में मेरा चेक इन है वो तो होना था 12 बजे। तो मेरे को टेंशन थी कि कहाँ जाऊँगा यार, ना मोहन भाई के जो मतलब यहाँ पर जो दोस्त थे वो लेने आए हमें एयरपोर्ट पे, और चाय बनाई इन्होंने यार चारों ने मेरे लिए, ये देखो। और एक ये भाई है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, हमारे पंजाब भाई है। की नाम वीरे अपना? संदीप सिंह। संदीप सिंह, तो संदीप सिंह थैंक यू थोड़ा भी। तो अभी फ़िलहाल तो ब्रेकफास्ट किया है हमने, चाय बनाई भाइयों ने मेरे लिए यार, बहुत अच्छा लगा। और ये इनका रूम है, बेसिकली ये हॉस्टल तो नहीं कह सकते बट बहुत अच्छा रूम है इनका, यहाँ से बाहर का व्यू भी अच्छा दिखता है। बाहर बारिश हो रही है, आपको पता ही है मॉस्को में अगस्त महीने में बारिश होती रहती है, तो बाहर बारिश हो रही है अभी। तो ये भाई मोहन का बहुत धन्यवाद करूँगा, मोहन तेरा बहुत बहुत थैंक यू यार। हो सकता है कि मुझे 11 बजे तक बाहर बैठना पड़ता रशिया की सड़कों पर। सही बात है, कोई नहीं यार, भाई भाई का थारा होगा। चलो थैंक यू। सो मेरी तो भैया हॉस्टल में जो चेक इन टाइम है वो है 11 से 12 बजे के बीच में, तो मैं यहाँ से निकलूँगा 10 बजे। फिर मुझे देखता हूँ कितने नंबर बस पकड़नी है। तो मैंने अभी थोड़ा बहुत रिसर्च किया इस पर, देखा मेरा हॉस्टल किस साइड में है और एक 72 नंबर बस जा रही है मेरे नियर बाई से। तो अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, और एक जो लड़का है जो मुझे कल होस्ट करने वाला मैक्स, तो मैक्स से मैंने पूछा कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, तो मैक्स बोल रहा है कि मैं तेरे को बताता हूँ तुझे कौन सी बस कहाँ से पकड़नी है। क्योंकि यार मैं टैक्सी लेकर, तो आपको पता है ज़्यादा टाइम, आपको पता ही मैं तो एक बजट ट्रैवलर हूँ, तो मैं तो टैक्सी टुक्सी नहीं, मेरे को तो अगर पैदल जाना पड़ा तो भी मैं चला जाऊँगा। हालांकि लगेज मेरे पास 20-22 किलो के आसपास है। सो एक बार करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर नेक्स्ट शॉट दिखाएंगे आपको बाहर मॉस्को का। आज आज करूँगा रेस्ट यार, ठीक है, कल दिखाऊंगा आपको पूरा मॉस्को। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।